ठीक सिसोदिया की तरह केजरीवाल के साथ बदसलूकी हुई। ये बात हम नहीं केजरीवाल कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया से बदसलूकी की वीडियो काफी वायरल हुई थी, लेकिन केजरीवाल की ऐसी कोई वीडियो नहीं। लेकिन इस वक्त केजरीवाल की बदसलूकी पर बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शीर्ष भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दिल्ली पुलिस के एसीपी एके सिंह को उनकी सुरक्षा से हटाने की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अदालत लाते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हालांकि इसी मामले के एक और आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इससे पहले इसी अधिकारी एसीपी एके सिंह के खिलाफ कोर्ट में लिखित शिकायत दी थी। दरअसल ये वाक्या बीते साल हुआ था, जिसमें अधिकारी एके सिंह को मनीष सिसोदिया को गर्दन से पकड़कर खींचते हुए ले जाते दिखाया गया था। उसका वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बीते साल फरवरी से जेल में हैं। उन्हें दिल्ली शराब घोटाले के मामले में हिरासत में लिया गया था। दरअसल उस वक्त आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर किया था, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पुलिस सिसोदिया को लेकर जाती दिख रही है। इसी दौरान मीडिया कर्मी सिसोदिया से केंद्र के अध्यादेश को लेकर सवाल पूछने लगते हैं। सिसोदिया इसके जवाब में कहते हैं कि प्रधानमंत्री में अहंकार आ गया है। उनके इतना कहते ही पुलिस ने उन्हें आगे बोलने से रोक दिया और गर्दन के पीछे से कॉलर पकड़कर खींच कर ले गए। इस वीडियो के कैप्शन में आपने लिखा था, दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी को शर्मानी चाहिए। दिल्ली पुलिस की मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? मोदी, आपकी तानाशाही पूरे देश को दिख रही है। इसके कुछ देर बाद ही पार्टी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया था। हालांकि बाद में अकाउंट बहाल भी कर दिया गया था। खैर, कुछ ऐसी ही बात केजरीवाल की तरफ से भी की गई है। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में दायर आवेदन में मांग की है कि सुरक्षा अधिकारी एके सिंह को उनके सुरक्षा घेरे से हटाया जाए। हालांकि पुलिस अधिकारी की ओर से दुर्व्यवहार किस तरीके का था, इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल जब इसकी शिकायत की गई तो जांच एजेंसी को सुनवाई के दौरान जांच की अपडेट देने और भविष्य के कदमों की रूपरेखा बताने के लिए कह दिया गया है, जिसके बारे में अदालत ने आदेश भी दिया। अदालत ने जांच एजेंसी को सीसीटीवी निगरानी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ करने का निर्देश दिया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पूछताछ के फुटेज को भविष्य में संदर्भ के लिए संरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा केजरीवाल को जांच एजेंसी की हिरासत में रहने तक रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी गई है। केजरीवाल को अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, निजी सचिव विभव कुमार से हर दिन आधे घंटे के लिए मिलने की अनुमति दी गई है। यानी केजरीवाल को ये सभी सुविधाएं मिलेंगी और अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसकी जांच भी होगी। इसलिए खास तौर पर जांच एजेंसी को सीसीटीवी निगरानी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ करने का निर्देश भी दिया गया है। खैर, जब से केजरीवाल की बदसलूकी की बात सामने आई है, तब से आप कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया हुआ है और कई आप नेता की तरफ से कहा गया कि मोदी की तानाशाही है जिस तरीके से ये दुर्व्यवहार किया गया है। फिलहाल अभी बदसलूकी पर बवाल है और आपके कई सवाल हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।